राहुल गांधी को फिर से जो बीजेपी आरोप लगाती है कि रीलॉन्च करना है आप लोगों को, सदन में वो बोलेंगे स्टार हो गए, लेकिन क्या इससे असहजता उन लोगों में नहीं होगी जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तमाम पार्टियां हैं। ये एक वाजिब सवाल है क्योंकि सबको ऐसा लगेगा कि राहुल गांधी पर सारा स्पॉटलाइट आ गया है। इंडिया की पूरी महत्वाकांक्षा यह है कि देश में असली लोकतंत्र फिर से बहाल हो। हम बहुत सारी तुकबंदियां देखते हैं शन शन लगा के और टन टन लगा के, पर पूरी कहानी यह है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो पूरे आज जो संसदीय दल की बैठक हो रही है उसी से समझ में आता है कि कितनी डर गई है भारतीय जनता पार्टी। एक प्रधानमंत्री जो देश की हर मुसीबत पर भाग खड़ा होता है, प्रवासी मजदूरों की जान जाती है, प्रधानमंत्री गायब हो जाता है। जब ऑक्सीजन से लोग मरते हैं प्रधानमंत्री गायब हो जाता है। जब देश की पहलवान लड़कियां गुहार लगाती है प्रधानमंत्री गायब हो जाता है। किसान आंदोलन होता है प्रधानमंत्री गायब हो जाता है। ऐसे मिस्टर इंडिया प्रधानमंत्री को ही डर लग रहा है, इसीलिए आज ये संसदीय दल की बैठक है। और राहुल गांधी देश में जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तो देश को जोड़ने की बात की। कांग्रेस की पूरी पॉलिसी समावेशी है, जबकि राहुल गांधी जी ने ये सवाल पहले उठाया है 2018 में भी, और लोगों को भी दिखता है कि किस तरह से मोदी सरकार दलितों को, अल्पसंख्यकों को एक किनारा करती है और उन पर बुलडोजर चलाती है। तो ऐसा होने के कारण देश में अब माहौल बदल रहा है, लोकतंत्र करवटे ले रहा है और हर बार लेता है। तो ये ना समझे कि ये आपकी किसी तरह की बपौती है या किसी तरह की एक सियासत जो है आपकी चलती चली जाएगी। यही अहंकार जिसमें आप बार बार ये इस तरह से तुकबंदियां करते हैं, यही अहंकार आपको ले डूबेगा क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं। ये अपर अहंकार का आरोप लगाते हैं। पीएम ने कहा इंडिया नहीं घमंडिया कहिए, किसमें अहंकार है? देखिए, अहंकार का भाव तो उसमें झलकता है जो इंडिया की तुलना इंदिरा से करता है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने किया था, आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है, और अब यूपीए को भी इंडिया बता रहे। बताइए, हनुमान जी, मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला। मुझे लगता है आप एक आर्म फोर्सेस से भी अपने आप को बताते हैं, आप हैं तो मुझे लगता है उस प्रकार का परिचय भी दीजिए। डिसिप्लिन उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, अनुशासन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, मैं तो क्षण क्षण और पन पन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि कण कण से हम काम कर रहे हैं और जन जन हमारे साथ है, इसलिए आपको टेंशन हो रही है। और आपने दलितों के विषय में बोला है तो बताइए एक बात, दिल पर हाथ रख के बताइए कि पहली बार 370 नामक कलंक को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के दलितों को, वाल्मीकि समाज को उनका अधिकार मिला, आप उसके साथ है खिलाफ है? आप बताइए कि अरे आप बताइए छोड़िए, एक स्पेसिफिक जवाब दीजिए ना। अब 370 हटने का भी आप विरोध करती है, दलितों के अधिकार का भी विरोध करती है। अनुमा जी, देखे ना, इसीलिए टेंशन है, वो आपके साथ है। दिक्कत ये है कि आज जो जब पूरा परिदृश्य बदल रहा है तो आप उसको झेल नहीं पा रहे। आप लोगों को सत्ता की आदत हो गई है और इस लोलुपता के कारण ही देश का लोकतंत्र आपको सबक सिखाएगा। तो लोकतंत्र जीवित है ना? वही कह रही हूँ कि लोकतंत्र जीवित है तो उसको मृतक क्यों घोषित कर रहे थे परसों तक? लोकतंत्र को करवटे बदलने का काम हम होता हुआ देख रहे हैं। कर्नाटका में अंजना जी, एक एक करके बात रखते हैं, ठीक है, एक एक करके वो पूरा कर ले। कर्नाटका में जब तक चुनाव नहीं जीते तब तक ईवीएम को गालियां देते थे, कर्नाटका में चुनाव जीते तो बेचारी ईवीएम बच गई। सुप्रीम कोर्ट को भर पेट गालियां देते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस पे कैसे सुना दिया, रफाल पे कैसे सुना दिया, ईडी के मामले में 14 पार्टियों की पिटीशन को खारिज कर दिया, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्ड है मोदी जी द्वारा, और एक स्टे ऑन कन्विक्शन आया तो सुप्रीम कोर्ट बहाल हो गया। तो मुझे लगता है कि कंडीशनल कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या अंबेडकर जी की कल्पना नहीं थी। अंबेडकर जी की कल्पना थी तो 370 को हटाना, आप उसके साथ है खिलाफ है? बताइए एक बार, ये तो संविधान, अच्छा सुनिए, संविधान को बचाने की लड़ाई है ना, टीएमसी संविधान बचा रही थी बंगाल में, आप ही के नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, केरल में आपके अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया केरल की पुलिस के द्वारा, आपने कहा संविधान खतरे में, अब बताइए उनके साथ बैठकर बेंगलुरु में संविधान बचाया जा रहा है? आपने आम आदमी पार्टी को खालिस्तानियों का समर्थक कहा पंजाब में, आज उनके साथ आप बैठकर भारत की बात कर रही है? और भारत की बात करी तो IUML है आपके गठबंधन में जो हिंदुओं को मारने की बात करता है कासरगोड में, ये INDIA है। आपके अलायंस के जो पार्टनर है वो PFI और सिमी को क्लीन चिट देते हैं, ये INDIA अलायंस है। तो मुझे लगता है कि आपका असली चेहरा क्या है, कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, लोग समझते हैं आपके असली चेहरे को भी और असली प्रोडक्ट को भी। एक सेकंड हनुमान जी, आप उनकी बातों का भी गठबंधन पर जवाब दीजिएगा। गौरव गोगोई ने अपनी तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को मूव किया था, तो क्या गौरव गोगोई पहले प्रेजेंट करेंगे फिर राहुल गांधी बोलेंगे, या सीधा राहुल गांधी के साथ शुरुआत होने वाली है? और पूरा कॉन्टेंट क्या होगा, सिर्फ मणिपुर पर होगा या गठबंधन पर जो विपक्ष हमलावर है उस पर भी राहुल बोलेंगे? जी मैं ये कह रही हूँ कि जब मीडिया ही ये कहता जा रहा है कि पहले राहुल जी बोलेंगे, अभी आपने घोषणा की और अब वही, तो आपका और मेरा इन्फॉर्मेशन उतना ही है जितना अभी हम होता हुआ देखेंगे। और जहाँ तक शहजाद जी की बात है, उनकी झल्लाहट तो इतनी ज्यादा चेहरे पर दिख रही है। ये एक ऐसी पार्टी है जो फौज का नाम लेके बार बार फौजियों को झूठ बनाती रही। एक सेकंड, आपको बता दें थोड़ी देर में।